हेलो जी, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और ये है माउंट आबू का सेकंड पार्ट, जिसमें हम दिखा रहे हैं ये महादेव जी का बहुत ही प्रसिद्ध हजारों साल पुराना मंदिर है। और इसके साथ साथ आपको दिखाते हैं गुरु शिखर चोटी और एक छोटा सा और मंदिर जो बहुत ही अच्छी जगह पे लोकेशन पे था, रिवर के बिल्कुल ऊपर, जिसकी मैं आपको हल्की सी झलक दिखा देती हूँ। तो आप ब्लॉग में कंटिन्यूस बने रहना और ये देखो उस छोटे मंदिर की झलक। तो कंटिन्यूस करते हैं आज का वीडियो, तो ब्लॉग में पूरा बने रहना और जिसने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लेना। बहुत ज्यादा सुंदर नकाशी की हुई थी, बट वो अंदर वीडियो वगैरह उसमें अलाउ नहीं था तो हम लोग वो शूट नहीं कर पाए। ये देखो बहुत ही ब्यूटीफुल सा नजारा है। ये नन्नू और डॉक्टर साहब जा रहे हैं अंदर भोग लगाने। मंदिर ये देखो इस तरह की नकाशी बहुत ही सुंदर तरीके से की हुई है। देखो भाई पवित्र स्थल पे आते हैं तो अपनी एक जो वाइब होती है वो बहुत ही पॉजिटिव वाइब आने शुरू हो जाती है। तो अपने देवता, अपने जो इष्ट देवता, उनके प्रति अपने जो भी उनके लिए फीलिंग होती है वो हमें फील होती है। तो ये है शिव जी का मंदिर और हमारे जो भूमिया दादाजी है वो भी शिव जी की गोद में बैठे हुए हैं। ये देखो बहुत ही सुंदर बना हुआ है, बहुत पुराना मंदिर है ये, उसके बावजूद भी इतने अच्छे से बना हुआ है सारा का सारा मंदिर। ये देखो ऊपर ये ब्यावर वेदर वापस से चेंज होना शुरू हो गया है। इस साइड फिर से फोग का आना चालू हो गया, तो बीच में मौसम थोड़ा साफ था, अभी वापस से सुंदर से वाला वो जो मौसम है वापस आ गया है। हल्की हल्की ठंड लग रही है पर मज़े भी आ रहे हैं। ये देखो पीछे कोई रिसोर्ट टाइप में बना हुआ है। ये देखो ये हवा का लहर देखो कितना सुंदर है। ये बहुत ही मज़ेदार व्यू है, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार व्यू है, बहुत ही मज़ा आ रहा है। सच में माउंट आबू में आके मज़े आ गए, बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं सुबह से ही। और अच्छे अच्छे मंदिर, अच्छी पवित्र जगह देखने का मौका मिल रहा है तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है हम लोगों के लिए। ये नन्नू और उसके पापा, ये जो मंदिर है इसका बहुत पुराना इतिहास है। पहले ये अरावली की पीठ है जो माउंट आबू है, और ये पहले मतलब यहाँ पे अरावली पर्वतमाला ये पहाड़ नहीं होते थे, पहले समतल जगह थी। और फिर जो भगवान इंद्र है उनके वज्र से यहाँ पे खड़े हो गए, उसके बाद में जो ऋषि वशिष्ठ थे उन्होंने तपस्या की, ये मतलब फिर जो सर्प देवता है, सर्प उनका नाम है वो, उनको यहाँ पे विराजमान किया गया जो कि अरावली पर्वतमाला की तरह एक पहाड़ की तरह दिखता है। और फिर ना यहाँ पे भूकंप बहुत ज़्यादा आते थे, तो जो ऋषि थे उन्होंने सोचा कि यहाँ पे भगवान शिव विराजमान नहीं है, तो फिर जो ये मंदिर है
यहाँ पे भगवान शिव का अंगूठा निकला और फिर उसके बाद में इस मंदिर की स्थापना हुई, उसके बाद यहाँ पे भूकंप आने बंद हो गए। ये कितने सौ साल पुराना है, थोड़ा आइडिया है आपको? ये लगभग 1000 साल से पहले का है। हम गुरु शिखर पहुँचने वाले हैं। ये माउंट आबू का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। तो ये देखो यहाँ मौसम है, क्या नजारा है। ऐसे लग रहा है जैसे बादल में आ गया ना प्रियंका? हाँ बिल्कुल ऐसे लग रहा है, गाड़ी है ना। ये हम गुरु शिखर पे आ गए, आगे मंदिर है गुरु शिखर, और वहाँ पे भगवान गुरुदत्त जी का मंदिर है। आगे सीढ़ियाँ चढ़ के ये हाईएस्ट पॉइंट भी आ जाएगा माउंट आबू का। मंदिर किधर से? मंदिर भैया इधर है, मेन इधर से है, इधर से है मेन मंदिर। और इधर क्या किया? चलो पकड़ा है गुरु शिखर मंदिर। ये रास्ता है मंदिर जाने का। ये आधे घंटे पहले का आपको व्यू दिखाया था, और ये है भूकंप से लौटते टाइम का वेदर, बिल्कुल क्लीन क्रिस्टल क्लियर है ये ना। तो पहले तो ऐसे लग रहा था, पहले बिल्कुल फॉग से भरा हुआ ऐसे लग रहा था कि बादलों के बीच में हमारी गाड़ी चल रही है, लेकिन अभी देखो कितना सुंदर व्यू है। उधर ये फोटो शूट चल रहा है, वो लोग नहा रहे हैं उसमें, और दारू भी पी रहे हैं, जो पर्यटन स्थल में बिल्कुल ज्यादा सही बात तो नहीं है, पर फिर भी क्या करें, पी रहे हैं तो भाई। अब अगले लुगाइयों को घर पे छोड़ के आए हैं, ठंडे उनके पे बजाने वाला नहीं है, तो पी रहे हैं। तो के उगाड़े राजस्थान वाले और पिए जा रहे हैं जी, वो भी उनका एक अब एंजॉयमेंट का टाइम है, तो और हो सकता है बेचारों की लुगाई आई ना हो अभी तक, आप बोल रहे हो घर पे छोड़ के, उनको पता चल जाए तो वो आके आपके पैर चरण स्पर्श करेंगे कि थैंक यू भाई जी हमें लुगाइयों के लायक समझा। तो काफी हो गया है, अच्छी जगह है, बहुत अच्छी जगह है, बहुत ही पीसफुल सा एरिया है।
ये व्यू देखो, साइड एक छोटा सा मंदिर भी है और एक कैफे टाइप भी है, तो काफी सुंदर जगह लगी। तो मैंने डिसाइड किया कि हम थोड़ा सा इसको वीडियो में कर लेते हैं कवर। ये देखो भाई, तो ये सुंदर सा नजारा आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं। ये देखो, आप जाओ ना, बहुत ही अच्छा व्यू है, बहुत ही ज्यादा सुंदर। बहुत ही सुंदर व्यू है, बहुत ही ज्यादा सुंदर व्यू है, मजे आ रहे हैं। यस, ये देखो पूरा क्रिस्टल क्लियर है। ये देखो ये साइड एक शिव भगवान का मंदिर बना हुआ है, उधर एक छोटा सा कैफे है। देखो कितना, इधर भी लेक है, इधर भी लेक है, ये सारा व्यू इधर का व्यू। फॉग के टाइम भी दिख रहा था, अब दिखा रहे हैं आपको साफ क्लियर में। ये फाइनली हम लोग माउंट आबू से बाहर निकल चुके हैं, और माउंट आबू से हम लोगों ने रवानगी करीबन 6:15 बजे ले ली थी। बट जो माउंट आबू से माउंट रोड आते समय 5 से 6 किलोमीटर के बीच के एरिए में इतना ज्यादा रश हो चुका था, मतलब इतनी भीड़ भड़ाका हो गया था, बीच में लड़ाई लड़ुई भी हो गई थी बस वालों की, तो इस चक्कर में हमारा 2.5 से 3.25 घंटे वहां खराब हो गए। और अभी का टाइम है 9:15 बजे का,
तो देखते हैं उदयपुर किस टाइम तक पहुंचते हैं। तो जिसने भी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लें, और कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, उदयपुर की वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।